किसानों का 1868 किसानों को भुगतान दिया जाता है और 25 रुपया अतिरिक्त बोरा का मूल्य दिया जाता है। कितने दिनों में भुगतान कर देते हैं? 48 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि भुगतान कर दिया जाता है तो नहीं, नहीं, ये सब बात गलत है। 24 घंटा में कहाँ भुगतान करता है? तो कितना समय लेता है? 6 महीना से साल भर तक हो जाता है। 4 साल का भी अभी तक कितना आदमी को रुपया नहीं मिला। नए कृषि कानून के विरोध में हम लोग हर रोज प्रदर्शन देख रहे हैं। ऐसे वक्त में हम आपको बिहार के किसानों से मिलवाते हैं। हालांकि बिहार में किसानों ने तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। किसान कानून के विरोध में आपने बार बार एपीएमसी का जिक्र सुना होगा। हम आपको पहले इसका मतलब बता देते हैं। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, आसान सी भाषा में कहें तो इसका मतलब है बाजार समिति। बाजार समिति यानी मंडी सिस्टम को नीतीश कुमार ने 14 साल पहले ही खत्म कर दिया था। केंद्र सरकार के मौजूदा कृषि कानून जिसका विरोध हो रहा है और नीतीश कुमार के 2006 में एपीएमसी को खत्म किया जाना, दोनों में फर्क है। मौजूदा कृषि कानून जिसे केंद्र सरकार ने लागू किया है उसमें भारत सरकार मंडी के साथ साथ प्राइवेट मंडी भी लगाने की इजाज़त देती है, जबकि 2006 में नीतीश कुमार ने मंडी सिस्टम ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसे ख़त्म करने के बाद बिहार सरकार धान खरीद के लिए एक नई एजेंसी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ लेकर सामने आई। आसान सी भाषा में कहें तो पैक्स। बिहार तक ने जानने की कोशिश की कि क्या पैक्स के आने से बिहार के किसानों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ या फिर समस्या पहले की तरह ही बरकरार है। 1868 किसानों को भुगतान दिया जाता है और 25 रुपया अतिरिक्त बोरा का मूल्य दिया जाता है। कितने दिनों भुगतान कर देते हैं? 48 घंटा के अंदर। समय से धान खरीदने होता है, खरीद होने पर भी जब गट्टे में भी लेता है तब भी पैसा देने में 6 महीना साल भर लगा देता है, इसलिए हम लोगों को पैक्स में देने से दिक्कत होता है। जी 1868 रुपया क्विंटल धान का रेट है। भुगतान में क्या भुगतान में समय लेते हैं? भुगतान में सर चावल गिराने का तेजी किया जाए तो बहुत जल्द ही हो जाएगा, वही कठिनाई है। चावल जो है विलम्ब से मार्च में गिरता है, इसीलिए किसान को असुविधा होती है। नवंबर में ही तैयार कर लेते, अगर उस समय में खरीद लिया जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहता। अभी खरीदने से जो है हम लोग उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग रबी फसल जो है करीब करीब खेतों में लगा चुके हैं और उसके लिए पूंजी नहीं था, तो फिर स्थानीय व्यापारियों के हाथों में अपने धान को कम रेट पर ही बेच दिए। 73 क्विंटल लग 70 पैक्स को मिला है। 8 तारीख से धान हम खरीद चुके हैं, शुरू कर दिए खरीद का। अभी तक 7 क्विंटल धान हम लोग का खरीद हो चुका है। धान तो किसान तो पहले से देने के लिए तैयार थे, धान में इतना नमी था, मॉइस्चर था, जिस हिसाब से पैक लेने के लिए तैयार नहीं था। एको पैसा फायदा नहीं मिलता है सर। क्या वजह है? वजह है सर, समय पर धान खरीद भी नहीं करता है। हम लोग को अक्टूबर नवंबर में धान तैयार हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में धान खरीदना चाहिए। ये जो है ले जाके फरवरी में धान खरीदता है, उसके बाद 6 महीने के बाद पैसा देता है, कभी देता साल साल भर लगा देता है पैसा। हम लोग को बहुत का टाइम है, सस्ता दाम पे धान बेच के जो है खाद बीज खरीदना पड़ता है। हालांकि जब हम प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी BCO के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ और ही कहा। सतरकटिया प्रखंड में कुल चयनित 9 पैक्सों में धान प्राप्ति का कार्य शुरू हो चुका है। 1868 रुपया क्विंटल की दर से जो है किसानों का भुगतान 48 घंटा के अंदर किया जा रहा है। कुल क्या लक्ष्य है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लक्ष्य 50,060 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन धान का जो खरीद है काफी विलम्ब से खरीद हुआ है और किसान अधिकतर अपना धान बेच रहा है, तो कैसे लक्ष्य हासिल होगा? धान में कुछ नमी रहने के कारण जो है खरीदारी में देरी हुई, लेकिन जो है हम लोग प्रयासरत हैं ताकि धान जो है मिल जाए। क्या नाम हुआ? रवि शेखर झा, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कटैया।
समस्याएं आपने किसानों से खुद ही सुन ली। अगर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ वाकई में किसानों को जमीनी स्तर पर मिल पाए तो जरूर ही बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सहरसा से धीरज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।